चलिए सर इस क्वेश्चन में क्या खास बात है ये अभी करवाया था हालांकि इसमें बस आ, कुछ पॉइंट्स मिसिंग है ये अभी बता देता हूं जो आपको करने वाले होंगे ना हाँ हा हा हा, हा, हा। चलिए इसमें ओवरहेड वेरिएबल आ गया और फिक्स आ गया राइट तो इसको कैसे टेक कर किया जाए ये देखेंगे एक क्वेश्चन ग्रो मोड़ चलिए यही करते हैं जो क्वेश्चन एकदम सिमिलर है ना उसको मैं नहीं कर रहा एक्स की वैल्यू अलग क्यों आ रही है एक्स की वैल्यू सेम ही तो आ रही है यहां अलग आ रही है एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू देखो कितना है तेरह लाख पिछहत्तर हजार और यहाँ भी आ रहा है तेरह लाख पिछहत्तर हजार एक्स की वैल्यू अलग कहा है दोनों तो सेम है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को ही तो माना था मैंने सेम ही है ये तो अलग थोड़ी है चलिए सर इस सवाल को पढ़ लेते हैं कहता है ग्रो मोर लिमिटेड प्रजेंटली ओपनिंग सिक्सटी परसेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अभी जो आपको हो रहा है ना वो साठ परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहा है और थर्टी सिक्स थाउजेंड पर एन काम करेगा ठीक है ना अब कैपेसिटी को कैसे बताया जाए कैपेसिटी को कैसे चेक किया जाए एक बार मैं आपको वो बता दू जैसे मान लो मैं अगर 600 यूनिट है मैं बना रहा हूं और मैं काम कर रहा हूं साठ परसेंट कैपेसिटी पे तो मुझे बताओ सत्तर परसेंट कैपेसिटी पे कितने यूनिट बनाऊंगा सत्तर सी बात है सर 600 और पहले दे रखा था साठ पे और हम सत्तर पे जान जाएंगे दैट इज सेवन एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका सर पहले हम 100% परसेंट निकाल लेंगे फिर उसका 70 परसेंट कर देंगे तो 600 सो इन हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्सटी तो हजार यूनिट आ गए और उसका सत्तर परसेंट क्या आ जाएगा सात सौ अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पिचासी परसेंट कैपेसिटी पे मुझे जवाब दीजिए तो क्या होगा पिचासी परसेंट कैपेसिटी पे जवाब अगर मांगू तो क्या होगा बताइए पिचासी परसेंट पे कैसे निकालेंगे सर सिंपल सर 600. सौ इन में 85 जो चाहिए होता है इन में रखते हैं डिवाइडेड 8850 यूनिट ठीक है अगर ये मैं पूछूं बताओ 30% परसेंट कैपेसिटी पे तो कौन बताएगा कितना होगा 30% पे 30% पे कितना होगा 850 850 आ गया 30% परसेंट कैपेसिटी पे बता दो 300 30% परसेंट कैपेसिटी 300 कैसे यानी जो परसेंटेज आपको परसेंट में गिवन और जो रिक्वायरमेंट है इनटू करते जाओ तो इस तरीके से इजीली परसेंटेज निकाला जा सकता है एक और सवाल पूछ लेते हैं मान लो मैंने 2000 बताया और ये काम चल रहा है हमारा सपोज करो 40 परसेंट कैपेसिटी पे है मुझे जानना है कि 70 परसेंट कैपेसिटी पे मैं कितने यूनिट बनाऊंगा बताइए अब सत्तर कैपेसिटी पे कितने यूनिट बनाऊंगा तीन सो करेक्ट जवाब जैस का भी कर दिया सबका परसेंट कैपेसिटी पे बताओ पैंतीस सौ यस का जवाब आ गया दिया का जवाब आ गया पैंतीस सौ तो सर कैसे निकालेंगे सर दो हजार और दे कितने पे रखा था चालीस और रिक्वायरमेंट कितने पे सत्तर तो क्या आया पैंतीस सौ तो मेरे हिसाब से अगर एक सर्टिन परसेंटेज दे दे कि इस लेवल पे काम हो रहा है और उसका यूनिट दे दे और आपसे बोला जाए कि आप दूसरे परसेंटेज एक्टिविटी पे काम करें तो आप यूनिट निकाल सकते हो इजीली ठीक है निकल सकता है चलिए आ जाइए सवाल के अंदर क्या कहता है सवाल में हम साठ परसेंट कैपेसिटी लेवल पे काम कर रहे हैं इन द व्यू ऑफ आपका फेवरेबल हमारे फेवरेबल मार्केट कंडीशन की वजह से डिसाइडेड कर लिया एक जनवरी चौदह में कि कंपनी वुड आपका ऑपरेट करेगा कितने परसेंट कैपेसिटी पे 90% परसेंट कैपेसिटी पे और द मेंशन और द फॉलोइंग आपका इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो 90% परसेंट पे काम करेंगे और हमें कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो सबसे पहले ये जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कितने परसेंट पे दे रखा होगा इसने साठ परसेंट कैपेसिटी पे दे रखा होगा तो मुझे सबसे पहले बताइए यूनिट कितना बनेगा 90 परसेंट कैपेसिटी पे यूनिट कितने बनने वाले नाइनटी परसेंट कैपेसिटी पे तो सर 90 परसेंट पे कितने बनेंगे छत्तीस हजार डिवाइडेड बाय 60 इंटू में नाइन्टी तो कितने आएंगे तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया कि मेरा चौवन हजार कैपेसिटी पे हमें वर्किंग कैपिटल बनाना क्लियर है अब कहता है यहां पे एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर यूनिट गिवन कहता है रॉ मटेरियल भैया चार रुपए का होगा वेजेस इतने रुपए का होगा वेरिएबल इतने का होगा और प्रॉफिट इतने का होगा इसमें चिंता नहीं है चिंता सिर्फ इस बात की है कॉस्ट तो हर लेवल पर सर समान ही होता है आपने यही सीखा है फिक्स कॉस्ट चाहे आप छत्तीस हजार यूनिट पे निकाल लो चाहे चौवन हजार पे निकाल लो चाहे एक लाख पे निकाल लो इक्वल होगा तो ये जो कॉस्ट आपका डिटरमाइन हुआ होगा वो डिटरमाइन हुआ होगा छत्तीस हजार यूनिट पे इंटू में वन तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जो रहेगा ना अगर हम फिफ्टी फिफ्टी फोर थाउजेंड यूनिट भी बनाएंगे तब भी हमारा फिक्स कॉस्ट कितना रहने वाला है थर्टी सिक्स थाउजेंड यह हमेशा प्रेजेंट लेवल के कैपेसिटी के ऊपर ही ये पूरा डिफाइंड हो जाता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस रेट एंड एक्सपेंसेज पर यूनिट विल बी रिमेन अनचेंज दो हजार कहता है कि हमारा मानना है कि रॉ मटेरियल और वेजिस रेट का जो एक्सपेंस है और सेल्स पर यूनिट रिमेन अनचेंज उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जो कि दो हजार रुपए इन्होंने दे रखा है ठीक है सॉरी दो हजार आगे कहता है रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टोर दो महीने के लिए रॉ मटेरियल रखेंगे इशू टू द प्रोडक्शन दीज यूनिट रिमेन प्रोडक्शन कहता है रिमेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस एक महीने यानी डब्ल्यू में एक महीने और रॉ मटेरियल में कितने महीने दो महीने फिनिश गुड्स रिमेन इन गोडाउन एफ जी दो महीने क्रेडिट अलाउड टू द डेटर दो महीने क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर तीन महीने तो ये सारी कहानी तो समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे कैसे हम निकालेंगे ठीक है ना लेग इन वेजेस पेमेंट एंड ओवर हेड पेमेंट वन मंथ अब जब ऐसे बोलेगा ना तब दोनों के लिए ये रूल अप्लाई होगा इट मे बी एज्यूम दैट क्या माना जाएगा वेजिस एंड ओवर हेड एक्नली आपका थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन साइकिल मतलब वो पूरा चलेगा पूरे साल में तो सबसे पहली बात सर आपका सारे डिटेल ना मंथली है तो अब हम इसको भी मंथली कन्वर्ट कर लें और ये जो डेटा दे रखा था ऑपरेटिंग साइकिल पर एन दे रखा था तो ये भी पर एन था सर तो अगर मंथली बनाऊं मैं चौवन हजार को तो डिवाइड बारह तो कितने आएंगे बताइए डिवाइड बारह पैंतालीस सौ ठीक है मोटी मोटी कहानी हमें पता चल गई बात चलिए सर करंट एसेट्स करंट एसिट्स करंट एसिट्स के बाद सबसे पहले मटेरियल सर मटेरियल लगेगा कितने थे पैंतालीस सौ ना पैंतालीस सौ एक महीने के लिए और हमारा लेग इन पेमेंट मटेरियल कितना कहता है दो महीने का और रेट जो दे रखा है हमें चार रुपए का डब्ल्यू आई पी सबसे पहले मटेरियल सर पैंतालीस सौ और डब्ल्यू आई पी में कितना समय लगाना है इन्होंने एक महीने का और चार रुपए का इसके बाद हमारा वेजेस वेजेस सर कितना है हमारा पैतालीस सौ और पैंतालीस सौ कितने महीने एक महीने का और वेजेस का रेट है दो रुपए लेकिन हमारा एजम्सन होता है ये फिफ्टी परसेंट ओवरहेड वेरिएबल पैतालीस सौ में एक महीने ओवरहेड का रेट भी कितने का है दो रुपए का और ये भी पचास परसेंट अब ओवरहेड फिक्स्ड सर ये छत्तीस हजार जो खर्चा है ये पूरे साल का है ये छत्तीस हजार जो खर्चा है कितने टाइम का है पूरे साल का एनुअल क्योंकि मैंने क्या निकाला छत्तीस हजार यूनिट पे निकाला था छत्तीस हजार यूनिट पूरे साल का था तो पूरे साल का हमारा छत्तीस हजार आता है हमें चाहिए एक महीने का और उसका भी कितने परसेंट लेंगे और यहां एजम्सन लेना होगा ये फिफ्टी परसेंट लेते हैं या फिर नहीं लेते समझ में आई बात आपको पहले ये वाला पॉइंट देख लीजिए छत्तीस हजार लिया मैंने छत्तीस हजार लिया ये वाला समझिए पहले अंशुस छत्तीस हजार क्यों लिया छत्तीस हजार क्यों लिया है और भी बच्चे फटाफट से एक बार ऑब्जर्व करिए फिर मैं एक साथ ही बता दूंगा सभी को सर बारह से क्यों डिवाइड किया है चलिए समझते हैं मुझे पता था यहां पे बहुत बच्चों का कंफ्यूजन और डाउट आएगा सबसे पहले मुझे एक सीधा सीधा जवाब दीजिए अगर आपको यह वेरिएबल वाला पॉइंट समझ में आ गया यस और नो में बताइए तो सिर्फ मैं फिक्स पे फोकस करूंगा अगर आपको वेरिएबल भी समझ में नहीं आए तो मुझे दोनों ही समझाना पड़ेगा क्या वेरिएबल वाला पॉइंट आप सभी बच्चों को समझ में आ गया वेरिएबल वाला पॉइंट वॉइस नहीं आ रही नो वॉइस यहां पर तो आ रही है वॉइस एक मिनट एक मिनट नो वॉइस एक मिनट रुके यहां पता नहीं क्यों दिखा रहे चेक करिए नाउ अब आ गया होगा अब आ गया होगा अब आ गया होगा चेक कर लीजिए यह बड़ी समस्या है ये माइक का ना कभी कभी आवाज ही चला जाता है वायरलेस में यही दिक्कत है बैटरी जब मर्जी खत्म हो जाता है बताइए नाउ क्लियर है आप मुझे ये जवाब दीजिए क्या ओवरहेड समझ में आ गया आपको ठीक है चलिए सर <coughs> अभी भी कह रहे हैं नो no वॉइस भाई लास्ट टाइम पे क्या हो गया एक मिनट ओके जस्ट अ मिनट तो मेरा कहना था कि आपका ओवरहेड हर बच्चों को क्लियर था ओवरहेड कैसे आया बस डाउट किस में था और रहा था हमारा फिक्स कॉस्ट बच्चे कह रहे थे फिक्स कॉस्ट कैसे आया सबसे पहले डिवाइड ट्वेल्व से क्यों कर रहे हो सर क्योंकि जो हमारा सारा डेटा गिवन था ना वो मंथली में कन्वर्ट किया था हमने सारा डेटा जो भी गिवन था वो किसमें कन्वर्ट किया था सर वो मंथली में, में कन्वर्ट किया था ठीक है ना सारा डेटा हमने किसमें कन्वर्ट किया सर मंथली में अब मुझे एक एक करके बात बताते जाइए सबसे पहले यूनिट कितने प्रोडक्शन हो रहे थे सर यूनिट हो रहे थे सर छत्तीस हजार प्रोडक्शन और छत्तीस हजार प्रोडक्शन जब हो रहा था तब फिक्स कॉस्ट कितने का था सर फिक्स कॉस्ट एक रुपए का था सर और उस टाइम पे टोटल फिक्स कितना रहा होगा अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो छत्तीस हजार का अब यूनिट बढ़ जाए घट जाए फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट तो हमारा कितना रहने वाला है छत्तीस हजार पूरे साल का ये एनुअल है ये क्या है हमारा पूरे साल का फुल ईयर का ये क्या है हमारा फुल ईयर का ठीक है करेक्ट अब पूरे साल का छत्तीस हम डेटा कितने महीने का तैयार कर रहे हैं एक महीने का मंथली डाटा चल रहा है ना चलिए मैं इसको एक बच्चे को कुछ यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा तो उसको मैं क्लियर कर दूं सर ये जो छत्तीस हजार है क्योंकि हमने नेक्स्ट नाइनटी परसेंट अगर कैपेसिटी पे देखा तो चौवन हजार आया था और चौवन हजार को हमने मंथली डाटा कन्वर्ट कर लिया था दैट इज ट्वेल्व जो कि आपने बताया सर ये पैंतालीस है तो अब मैं बात करूं हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टेज कितने महीने का है सर एक महीने का अगर एक महीने का है तो इंटू में वन और ये तो भैया सब मंथली है ये भी मंथली ये भी मंथली ये भी मंथली ये भी मंथली तो ये साल का क्या कर रहा है इसको बारह से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा मंथली तो ये पूरा अमाउंट ही है क्योंकि इसको अब मल्टीप्लाई दोबारा वन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट ही डिवाइड हो गया इसका भी पचास परसेंट अब आप ले लोगे ये है बोल रहा था हमारा इस वाले क्वेश्चन के पॉइंट में छत्तीस हजार कैसे ये मैंने बता दिया देखो छत्तीस हजार जब छत्तीस हजार यूनिट होगा और एक रुपए का खर्चा होगा तो वन से मल्टीप्लाई करके छत्तीस हजार आ जाएगा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए अभी क्लियर है आपको डाउट है तो बताइए इसमें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं बस थोड़ा सा काम रह गया है एक हमें डेटर लिखना है और एक हमें एफ जी लिखना है मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं सर डेटर कितना है पैंतालीस सौ इंटू में डेटर कितना होगा <laughs> रेट ले लेंगे ना टोटल ही होगा ना डेटर में तो।, तो दो पहले डेटर का वेरिएबल ले लेते हैं तो वेरिएबल में क्या आ जाएगा सर चार रुपए दो रुपए दो रुपए एक रुपए छोड़ दो तो चार और चार आठ रुपए आ गया कितने महीने के लिए डेटर था हम कितने महीने अलाउड कर रहे थे डेटर को फिनिश ले ले लेंगे लेंगे इसके बाद ले लेंगे। फिक्स वाला प्लस कर दूंगा ना क्योंकि उसको तो हम यूनिट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते ना ठीक है तो सर डेटर कितने का वन मंथ का कहता है कि इशू द यूनिट रिमेन फिनिश क्रेडिट अलाउड टू डेटर दो महीने का तो दो महीने ये वेरिएबल हो गया फिक्स कितना आएगा सर दो महीने का आएगा फिक्स और छत्तीस हजार रुपए कितने टाइम का था पूरे साल का तो डिवाइडेड बाय बारह इंटू में टू तो ये फिक्स को हमने यहां पे अलग कर लिया और वेरिएबल को अलग कर लिया जो भी निकलेगा एफ में भी सेम होने वाला है पैंतालीस और इंटू में आठ लेकिन कितने महीने का है सर कितने महीने का है एफ जी के लिए दो महीने तो सेम ही आ जाएगा सर ये तो प्लस छत्तीस हजार पूरे साल का डिवाइडेड बाय बारह इंटू में टू क्लियर है ये यानी जितने भी देखो फिक्स कॉस्ट जो था ना वो ऐसा पार्ट था जो कि फिक्स रह गया तो हमें फिक्स कॉस्ट को उतने महीने का पोर्शन उसके अंदर एड ऑन करना था तो अगर हम यहां पे बात करें सर दो महीने तो दो महीने का ही फिक्स कॉस्ट एड होगा ना इसमें और यहां भी दो महीने तो फिक्स कॉस्ट को तो मैंने अलग कर दिया वेरिएबल तो भैया यूनिट के हिसाब से चलता है तो वेरिएबल को ऐसे ही हमने चला दिया क्लियर है अब चलिए एफ के बाद डेटर और क्या था कैश दे रखा था सवाल में क्या सवाल में कैश तो था ही नहीं शायद ना चलिए अब इसको टोटल कर लेंगे ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ठीक है अब हम ले लेते हैं यहां पे क्या करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी सर करंट लाइबिलिटी कैसे आएगा करंट लाइबिलिटी में क्या है मटेरियल कितने टाइम पेंडिंग है मटेरियल में कितने टाइम पेंडिंग है बताइए सर मटेरियल में क्रेडिट अलाउड टू द डेटर क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर तीन महीने तो सर पैंतालीस सौ इंटू तीन महीने और एक कितने का था हमारा चार और क्या कहता है लेग पेमेंट इन वेजेस एंड ओवरहेड पेमेंट वन मंथ ठीक है सर और वेजेस ओवरहेड ठीक है तो वेजेस में कितना आ जाएगा सर पैंतालीस सौ इंटू वन इंटू में वेजेस की बात करें तो दो रुपए दो रुपए ही था ना और ओवरहेड वेरिएबल अलग ले लो और उसको अलग ले लो ओवरहेड बात करें तो सर वेरिएबल कैसे आएगा पैंतालीस सौ में एक इन में दो और फिक्स का कैसे लेंगे प्लस छत्तीस हजार डिवाइडेड बाय बारह और कितने महीने का था एक का तो मल्टीप्लाई बाय वन आ गया ठीक है तो हर स्टेप में फिक्स वाले को जोड़ते गए हम तो चलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन था बुक का लेकिन और क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे अठारह हजार फटाफट टोटल कर दीजिए बस क्योंकि पांच सात मिनट तो हमारे यूं ही खराब हो गए आज बुक में सारा इकट्ठा करके दे देते हैं तो उसकी टेंशन ना लें आप लास्ट आंसर चेक कर लीजिएगा पैतालीस सौ इंटू एट इंटू टू इसको करिए छत्तीस सौ इंटू बारह तीन हजार प्लस फिफ्टी परसेंट नहीं नहीं पंद्रह सौ ही आएगा नहीं ज्यादा आएगा ज्यादा आएगा ज्यादा आएगा छह हजार आएगा देखना इसको सॉल्व करो बस इस वाले को छोड़ दो बस फिक्स वाले एरिया को सॉल्व करो हाँ छह हजार ना गलत मत बताना बस देख लेते हैं भाई ठीक है और ये भी एक्जेक्टली exactly सेम कोई था सेल पच्चीस परसेंट बीस परसेंट कैश बेसिस कुछ नहीं है नाइनटी परसेंट कैपेसिटी पे बस काम करना है चौवन हजार नौ हजार और ये बारह से डिवाइड करेंगे तीन हजार बारह लाइबिलिटी चेक करो पचहत्तर आ रहा है लाइबिलिटी दो लाख बीस हजार पांच सौ देखो बुक में कुछ बच्चे ना आंसर देखेंगे तो उनका थोड़ा सा करने का तरीका अलग है उन्होंने दूसरे तरीके से हमने इसको तोड़ तोड़ के किया तो जिससे हमारा काम आसान हो गया ठीक है चलिए सर टोटल करंट लाइबिलिटी अब नेट वर्किंग कैपिटल पूछा था वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा सीए माइनस में सीएल तो सीए माइनस सीएल माइनस में पिछहत्तर हजार सर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया तो थोड़ा इसके अंदर आपने देखा क्या पॉइंट था तो मैं कह रहा हूं टफ सवाल था इस था। इस चैप्टर चैप्टर का का ये टफ सवाल माना जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा हमें ठीक है ना तो हमने काफी सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए अब देखिए होमवर्क में कुछ सवाल मिलेंगे ये सवाल हु हम कर चुके हैं लगभग लगभग इस टाइप का होमवर्क में जो आपको पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस के आगे आंसर नहीं गिवन होगा वो होमवर्क में करना होगा ये भी होमवर्क में दे रहा हूं मैं जो नहीं होगा अगली क्लास में करेंगे ये भी होमवर्क में रहेगा और ये भी होमवर्क में रहेगा तो इस बार काफी सारा होमवर्क मिलने वाला है आपको और ये भी होमवर्क में रख रहा हूं नहीं होगा तो मैं तो हूं ही करने के लिए और एक सवाल ये दिया था मैंने करने को यानी एक से दो क्लासेस के अंदर ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे जिसके अंदर जो पेंडिंग है जो मैंने नहीं कराया होमवर्क में है चैट ग्रुप ओपन है मैं इन सभी के आंसर को शेयर कर दूंगा जिसका हो जाए ठीक है नहीं तो मैं क्लास में करा दूंगा ठीक है क्लियर है सर सेकंड पॉइंट किसका सेकंड पॉइंट बात कर रहे हैं हनी सेकंड पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं आप कौन से क्वेश्चन की जो अभी कराया उसकी बात कर रहे हैं या कोई और <laughs> क्लियर चलिए ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आंसर ठीक है ओके okay. बाकी आपके पास अगर बुक है तो बुक में डेफिनेटली मिल जाएगा बुक है तो बुक में फिर आवाज चली गई हेलो ऐसे चेक ऐसे आ रही है आवाज कहीं ना कहीं वायर खिंच भगवान जाने कहा तो अब नहीं आ रहा चेक चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं माइक में भी प्रॉब्लम आ रही है इसका पीडीएफ और सारी चीजें भेज देंगे गुड नाइट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप करेंगे टेन ईयर अभी मार्केट में नहीं आया इस चैप्टर का टेन ईयर भी मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा और ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर पाए पहले एक बार खत्म हो जाएगा उसके बाद इस चैप्टर का पीडीएफ में डाल दूंगा ठीक है चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर